देना यहाँ पर, और सेम टू सेम जैसे कि पहले हम बारिश में बैठे थे, धूप में बैठे थे, आज भी बारिश है, बारिश में यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर मैं पूछना चाहूंगा सरकार से कि हम लोगों की या इन लोगों की क्या गलती है जो यहाँ बैठे हैं सड़क पे, आज 8 दिनों से यहाँ पे बैठे हैं, किसी तरह से कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे बात करने नहीं आया अभी तक। वो ऐसा समझा जा रहा है सर जैसे हम इस कंट्री के ही नहीं, हम इस यूटी के ही नहीं है। ये चीज बड़ी गलत है सर। हम लोगों ने मेहनत करी है 2 साल, हम अपना हक मांगने आए यहाँ पर, किसी से भीख मांगने नहीं आए। 8 दिन में सर यहाँ पर किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं, किसी तरह से कोई कहीं से आगे किसी ने बात नहीं करी है। हर एक जगह आपने कोशिश करी है, जितना पॉसिबल हो सका हमने रिप्रेजेंटेशन डाली है। इवन सर आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऑपोजिशन पार्टी कल हमारी सपोर्ट में आ गई, उन्होंने हमारा दर्द समझा, उन्होंने हमारे लिए ट्वीट करे, जर्नलिस्ट ने हमारा दर्द समझा, पब्लिक हमारा दर्द समझ रही है, लेकिन ये लोग हमारा दर्द नहीं समझ। और सेम टू सेम जैसे कि पहले हम बारिश में बैठे थे, धूप में बैठे थे, आज भी बारिश है, बारिश में यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर मैं पूछना चाहूंगा सरकार से कि हम लोगों की या इन लोगों की क्या गलती है जो यहाँ बैठे हैं सड़क पे, आज 8 दिनों से यहाँ पे बैठे हैं, किसी तरह से कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे बात करने नहीं आया अभी तक। वो ऐसा समझा जा रहा है सर जैसे हम इस कंट्री के ही नहीं, हम इस यूटी के ही नहीं है। ये चीज बड़ी गलत है सर। हम लोगों ने मेहनत करी है 2 साल, हम अपना हक मांगने आए यहाँ पर, किसी से भीख मांगने नहीं आए। 8 दिन में सर यहाँ पर किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं, किसी तरह से कोई कहीं से आगे किसी ने बात नहीं करी है। हर एक जगह आपने कोशिश करी है, जितना पॉसिबल हो सका हमने रिप्रेजेंटेशन डाली है। इवन सर आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऑपोजिशन पार्टी कल हमारी सपोर्ट में आ गई, उन्होंने हमारा दर्द समझा, उन्होंने हमारे लिए ट्वीट करे, जर्नलिस्ट ने हमारा दर्द समझा, पब्लिक हमारा दर्द समझ रही है, लेकिन ये लोग हमारा दर्द नहीं समझ।